समस्या तो यहाँ सारी है जी, सारे सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बंद है, सारे सीवर भी कोई चालू नहीं है, ये समस्या ही। सड़क पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ये पाइपलाइन बिल्कुल टूटी पड़ी है, एक उस जो फ्रंट की रोड है ना इस पर सीवर नहीं है, और ये साइड वाले सीवर है तो ये इसकी निकासी नहीं है ना, तो यहाँ पीने के लिए पानी आता है ना, सीवरेज की कोई समस्या है, अगर बारिश आ जाए तो यहाँ ये भर जाता है पूरा, ही यहाँ पानी निकलने के लिए कोई व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या जी, रोड बिल्कुल ही डैमेज है, हद से ज़्यादा डैमेज है, जब से ये विश्वकर्मा मंदिर से लेके यहाँ तक, ये अधबिचाले बीच में छोड़ के और वो वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ही डैमेज है, यहाँ तक गाड़ियाँ क्या। इस ऑटो मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ है, जो गेहूँ वालों के सबके तो फोन उठा ले जाते हैं, कभी संदूक उठा के ले जाते हैं। ये देखो क्या दुर्दशा हो रही है इस पार्क की, कोई प्रशासन से कहें कि इसका कुछ न कुछ है, क्या है कि इसका समाधान किया जाए इसका। पार्क में सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं, इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-21-23-494 पर। सालों से सिरसा की ऑटो मार्केट विकास की बाट जो रही है, यहाँ के वाशिंदे ये कहते हैं कि सरकार ने ऑटो मार्केट का निर्माण तो किया लेकिन सुविधाएं देना भूल गई। यहाँ पर ना तो सड़कें ठीक हैं और ना ही यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है, सीवर भी सालों से यहाँ पर जाम पड़े हैं। यहाँ पर जो मैकेनिक है उनका ये कहना है कि लाइट भी यहाँ पर बार बार कट लगाती है जिससे वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। स्ट्रीट लाइटें हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, जबकि यहाँ के स्थायी निवासी वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लगातार चोरी की घटनाएं भी होती हैं। आज thesadaknama.com की टीम ने ऑटो मार्केट में जाकर के मैकेनिक और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत की, आइए जानते हैं कि स्थानीय निवासी क्या कहते हैं। मैडम मेन समस्या तो अब सड़क की है, जो सड़क काफ़ी टूटी हुई है जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है, व्हीकल के नुकसान हो रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, चोटें भी आ रही हैं, और वाटर लाइन सारी डैमेज हो रही है, इसका भी पानी के कारण सड़कें और ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या जी, रोड बिल्कुल ही डैमेज है, हद से ज़्यादा डैमेज है, जब से ये विश्वकर्मा मंदिर से लेके यहाँ तक, ये अधबिचाले बीच में छोड़ के और वो वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ही डैमेज है, यहाँ तक गाड़ियाँ क्या कई बार एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ इसी वजह से होते हैं, कारण यही है। और यहाँ तक कि बुज़ुर्ग और तो मतलब औरतें तो मतलब बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं कर सकती यहाँ से, ट्रक ट्रुक गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो डैमेज होती है, और बाकी तो प्रॉब्लम सीवर लाइन यहाँ है नहीं, लाइटें सिर्फ एक फेस में लाइट है, बाकी फेस की तीनों फेस नहीं आते हैं, तो लाइट एक फेस की होने की वजह से यहाँ लोड ज़्यादा होता है, और लोड होने की वजह से कई बार ज़्यादा लोड होने की वजह से यहाँ तारें मतलब शॉर्ट हो जाती है और लाइट चली जाती है, और कम से कम कई बार तो एक एक दिन तक लाइट तक नहीं रहती यहाँ, उसकी वजह से काफ़ी हद तक काम हमारे पेंडिंग रह जाते हैं, फिर दो दिन गाड़ियाँ कई बार कहीं गाड़ियाँ और चली जाती है हमारे काम, फिर हम काम तो हमारा सारा वर्कशॉप का और इंसुलेटेड है, बिना लाइट के हम काम कैसे करेंगे और बिना रोड के हम काम क्या ढंग से कर नहीं पाते, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। समस्या तो यहाँ सारी है जी, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बंद है, सारे सीवर भी कोई चालू नहीं है, ये समस्या ही। सड़क पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ये पाइपलाइन बिल्कुल टूटी पड़ी है, एक उस जो फ्रंट की रोड है ना इस पर सीवर नहीं है, और ये साइड वाले सीवर है तो ये इसकी निकासी नहीं है, तो इसमें फ्रंट पर जो लोग दुकानें हैं उनका सीवर कनेक्शन कैसे होगा। इस ऑटो मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ है, जो गेहूँ वालों के सबके तो फोन उठा ले जाते हैं, कभी संदूक उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, इसका कोई समाधान नहीं करते जी कोई भी। पुलिस में दरखास्त लेने जाते हैं, वो उनको कहते हैं पकड़ो चोर को, जब मुक्के पर पकड़ा जाएगा तो हम छोड़ देंगे क्या चोर को, हैं मेरे करते दो फोन उठा के ले गए मेरे घर से, ठीक है, यह चोरी डाली होती है, किसी का टायर उठा के लेंगे, किसी के स्टेपनी लेके उठा के, किसी का किमी उठा के लेंगे, कहते किसी में किमे लेके उठा के। ऑटो मार्केट में क्या कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है आपको? ऑटो मार्केट में सबसे ज़्यादा लाइट का और रोड का, जो मेन रोड कंगनपुर रोड है, और जो ऑटो मार्केट में बिजनेस वाले हैं उनको लाइट की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है,
यही दिक्कत सिरसा में ऑटो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। रोडों की है, सीवर की है, यही है ऑटो की समस्या, यही है ना। तो यहाँ लेटरिन बाथरूम है, कोई सुविधा नहीं है, सुविधा तो करते नहीं सरकार, क्या करे। ना तो सीवर है, ना रोड है, सारे टूटे हुए हैं, बस यही है। और तो क्या बताए। मेरा नाम है जी रणी सिंह वर्मा। क्या कुछ समस्या है यहाँ? समस्या ये है जी, ये पार्किंग है, आज पार्क है ये 30-35 सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ कूड़े के ढेर है, ना प्रशासन की तरफ कोई इसका ध्यान है। यहाँ बैठ भी नहीं सकते, मान लो यहाँ पशु भी नहीं आ सकते, ऐसा बुरा हाल है। पशु भी बैठे ना तो भी वो कोई अच्छी जगह में बैठता है, ये ऐसे नरक का दीवाड़ा बना रखे, हर टाइम बीमारियाँ फैलती है। इसका कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। पार्क के अलावा और क्या कुछ बड़ी समस्या है पानी को लेकर? यहाँ इस पूरी मार्केट में आप थोड़ा सा करके बता दो, कहीं भी यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, शिवर की सुविधा नहीं है, सब ऑटो मार्केट वाले यहाँ परेशान है। कोई बंदोबस्त नहीं है सरकार की तरफ से, जो भी शिवर है वो बंद रहते हैं, तो इसका सुधार किया जाए। समस्या ऑटो मार्केट को लेकर? पानी वाली सीवर वाली है जी, परली तरह से पैप पे जा रही है, इधर नहीं आ रहे, कोई क्रॉस करके जाना पड़ता है वो फुटपाथ। और ये जो बगैर मतलब ट्रक खड़े कर रखे हैं जायज, ये हाँ ये सारा परेशान कर रखा है जी। दुकानें ले रखी है, पैसे लगा रखे हैं, हमारे को समस्या का हमारी अंदर गाड़ी नहीं आती, किसी को बोलते हैं मतलब अपने दिखाते हैं मंत्री वाले रूप सारे, हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, ये काम चल रहे हैं। पानी और सीवरेज की जी, हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या यही है जी। यहाँ ना तो यहाँ पीने के लिए पानी आता है, ना सीवरेज की कोई समस्या है, अगर बारिश आ जाए तो यहाँ ये भर जाता है पूरा ही, यहाँ पानी निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सामने वाला वो उधर लगा उधर कैमरा, वो फुटबाद के परली तरफ पानी है, जो बढ़िया पानी आता है, सीवर वाला सारा सिस्टम इधर नहीं आ सकता। कि जो है समस्या है, समस्या सारी है जी, पानी की है, सीवर की है, क्या चीज़ की कौन, सारी चीज़ कबाड़ तो मार्केट भरी पड़ी है, और अब ज़्यादा तो क्या समस्या होगी, अपना रास्ता ही कौन, रास्ता नहीं मिल रहा किसी को, कोई जगह कौन रस्तो, पर पिछों ला के आगे तक जाओ रस्तो मिले तो कठे कौन मिले रस्तो, तो आया था तो आपने ध्यान है जा रहे हैं गाड़ी खड़ी कर दी है हमारे बाप की। पाने में ये कहना चाहते हैं जी, यहाँ इस पार्क की वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं, इसमें गंदगी देखो आप कितनी गंदगी है, कहीं भी और सैकड़ों तो कुत्ते बैठते हैं, उनका लेटरिंग से बदबू आती है, हम परेशान हो रहे हैं। ये पार्क है देखो, ये इसको पार्क बोलते हैं क्या? ये देखो क्या दुर्दशा हो रही है इस पार्क की, कोई प्रशासन से कहें कि इसका कुछ न कुछ क्या है कि इसको समाधान किया जाए। इसका पार्क में आने के लिए कोई बैठे, कोई दूर से ग्राहक आए तो देखे भी ऑटो मार्केट के शान है, ये यहाँ नर्क बना रखे है इस पार्क का।